हिंदू का रास्ता ही सही रास्ता है, प्यार का, अहिंसा का, सहिष्णुता का। अरे प्रेम से सींचो तो एक बेजान बीज भी बड़ा पेड़ बन जाता है, फल फूल देने लगता है। ये आदमी सब खत्म करके मानेगा। जब तक यहाँ के हालात ठीक नहीं हो जाते क्यों ना हम गांव चले। हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे दुखद काल है ये। दुख का कहें, अरे आजादी मिला है, इतना खुशी का बात है। आजादी की खुशी देश के बंटवारे और उससे भड़की हिंसा की आग में जलकर भस्म भी तो हो रही है मेरे दोस्त। ईश्वर की कृपा से कोई मुसलमान नहीं है यहाँ। डिब्बे में ज्यादातर हिंदू है, देख लेंगे साले को। देखिए ये मुसलमान है। अरे मुसलमान है तो क्या जान से मार दोगे? क्या सबूत है कि तू हिंदू है? बाकी के 55 करोड़ उनके हक के हैं। अगर ये 55 करोड़ रुपए उन्हें मिलेंगे तो वो हिंदुस्तान पर और हमले ही तो बोलेंगे। शरीर से निकलने के बाद तो खून भी अपना रंग बदलने लगता है। इस साले ऐसे ही हमला करते हैं। नफरत की आग जब भड़कती है तो ना कोई हिंदू रहता है ना मुसलमान, सब हैवान बन जाते हैं। तुम सबको हैवान नहीं बनने दूंगी मैं। अब तो मुसलमानों को अपनी जन्नत मिल गई ना, अब चले जाए अपने पाकिस्तान। हिंदुस्तान हिंदुओं का है। शेरपुर के हिंदुओं ने हमला बोल दिया, वो यही आ रहे, हमें जान से मार देंगे। इतिहास गवाह है कैलाश बाबू, कोई भी धर्म अपने मानने वाले को लड़ने मरने से नहीं रोक पाए। नफरत की एक नजर, एक कठोर शब्द माँ बेटे तक का रिश्ता भी खत्म कर देता है। ये हाथों की लकीरें भी अजीब है, मुट्ठी में तो है मगर काबू में नहीं। आज जिस आजादी पर हम गर्व से सीना तान रहे हैं और जिन लोगों की देन है उसे हम बुरा कहेंगे तो इतिहास हमें कभी माफ नहीं करेगा।